जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका उचित उपाय चैनल में। और आज मैं आपके लिए आया हूँ बहुत ही खतरनाक और बहुत ही प्रचंड वशीकरण। और ये उपाय मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि महाशिवरात्रि आ रही है और इस दिन महाशिवरात्रि पर होली दशहरी जैसे ये शुभ दिन होते हैं, ऐसे ही महादेव, देवों के देव महादेव, और ये बहुत ही शुभ दिन है। और इस दिन किया हुआ कार्य सफल होता है। आप किसी भी तरह का कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आज के किस तरह से ये महाशिवरात्रि पर ये उपाय किया जाए। सबसे पहले आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल के पत्ते में जिस भी इंसान का आपको वशीकरण करना है उसकी फ़ोटो रख लीजिए। उसके अंदर फ़ोटो रख कर उसको किसी लाल धागे से बांध दीजिए और उसको लाल कपड़े में रख लीजिए। लाल धागे से उसमें 7 गांठ बांध दीजिए। और आपको ये मंत्र का जाप करना है। मंत्र ध्यान से सुनना। ओम देव नमो हरे ठा ठा स्वाहा। इस मंत्र का आपको 21 माला जाप करनी है। और समय जो होगा वो होगा महाशिवरात्रि का 14 फरवरी मध्य रात्रि यानी 13 तारीख की रात के 12:15 से लेके आपको ये शुरू करना है। और सुबह 7 बजे से पहले पहले और जिस पेड़ से आप ये पीपल का पत्ता लाए थे वहाँ पे आपको ये गाड़ देना है पेड़ के पास ही। ये आप पेड़ पे अच्छी तरह से बांध दीजिए और जो भी आपकी मनोकामना है वो महादेव से मांग लीजिए कि आपने इस इंसान का वशीकरण किया है और ये आपने प्रयोग किया है विधि, इसमें आपको सफल बनाए। और इसमें आप बिल्कुल सफल रहोगे और पीछे मुड़ के नहीं देखना। जब पत्ता आप तोड़ के लाओ जब भी पीछे नहीं देखना, और जब आप वहाँ पे रख के आओगे जब भी पीछे मुड़ के नहीं देखना। किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी आपको इसमें तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। को लाल कलर का आसन लेना है। एक धुनी जलानी है जो बहुत ही सुगंध हो, जिसकी खुशबूदार हो। और समय के अनुसार आपको ये उपाय करना है। वो मंत्र जाप करते टाइम आपको कोई देखे ना और ना ही आप किसी के बारे में सोचेंगे। खाली आपको जिस इंसान का वशीकरण करना है वो भावना आपके मन में लानी है, तभी आप इसमें सफल रहोगे। और किसी भी अनजान इंसान के ऊपर ये वशीकरण काम नहीं करेगा। अगर आप किसी अनजान इंसान के ऊपर ये प्रयोग कर रहे हो तो इसका उल्टा असर आपके ऊपर पड़ेगा, इसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है और मैंने महाशिवरात्रि की एक वीडियो और बनाई हुई है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ मैं उस वीडियो का। वो भी कर सकते हो और आप ये भी कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हो। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि महाशिवरात्रि का जो भी कार्य है उनका बिल्कुल पूर्ण हो और सभी को तंत्र मंत्र यंत्र की सही जानकारी मिले। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए और नई वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।